Morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का आपका assignment number 77 है और इसमें आपका topic रहेगा new system of revenue, नई राजस्व भू राजस्व व्यवस्था या नई लगान व्यवस्था। इस पर हम थोड़ा सा इसकी background पे बात करेंगे, जैसे कि पहले कौन सी जो राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। हमें पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और इसके तुरंत बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का हक या दीवानी का हक अंग्रेज़ों को मिल गया। दीवानी का मतलब होता है वहाँ के जितने भी ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करने का जो हक है वो अंग्रेज़ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। एक तरह से राजनीतिक नियंत्रण भी उन्हीं का हो गया। अगर कोई शासक उस समय भी अपना काम करना चाहता है, रियासत में बना रहना चाहता है, उसको अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी माननी होगी। इसके अंदर अब हम जो भू राजस्व व्यवस्था जो बंगाल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल बिहार और उड़ीसा के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में इसे लागू किया, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी कि इसकी एक तो दर बहुत ज़्यादा सुनिश्चित कर दी थी जिसको किसान पे नहीं कर पा रहा था समय से। दूसरी बात, ज़मींदार की अहमियत कम हो रही थी, जोतदार की अहमियत बढ़ रही थी और ज़मींदार अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसा ही चाह रही थी। ज़मींदारों की तीसरी कमी जो है, ज़मींदारों की ज़मीनें नीलाम होती जा रही थी, वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। और क्या कमियां थी, ज़मींदार भी कुछ होशियारी कर रहे थे कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ परसेंट अपनी वाइफ, अपनी माताजी, अपनी बहन इनके नाम पर कर दिया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें कंपनी का रूल था कि महिलाओं से ज़मीन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। इसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था अव्यवहारिक इसलिए भी थी क्योंकि इसकी दर एक बार तो सुनिश्चित कर दी गई, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें दर आगे नहीं बढ़ा सकती थी। जैसे कि 1810 तक आते आते भू राजस्व व्यवस्था जो कि सुनिश्चित हो चुकी थी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन किसानों की जो उपज थी उसके मूल्य बढ़ गए। अब जैसे ही किसानों की उपज के मूल्य बढ़े तो ज़मींदारों की जो है आय बढ़ने लगी, किसानों की आय बढ़ने लगी, लेकिन सरकार अब उन पर अपना टैक्स कैसे बढ़ा सकती थी, इसलिए सरकार के हाथ बंधे के बंधे रह गए। अब उस एरिया के अंदर ये सीख मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आगे हमें अगर किसी एरिया के अंदर स्थायी बंदोबस्त जैसी कोई भू राजस्व व्यवस्था को लागू करना है तो इसकी गलती दोहरानी नहीं है। उसके अंदर इस तरह का हम क्लोज जोड़ देंगे या इस तरह की व्यवस्था उसके अंदर हम कर देंगे कि समय समय पर ऐसी भू राजस्व व्यवस्था हम लागू करें कि कुछ समय के बाद उसको रिन्यू कर सकें, 20 इयर्स 30 इयर्स। जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर महाराष्ट्र से लेकर साउथ इंडिया तक रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त की तरह ही थी, लेकिन इसमें एक ही बार जमीन का लगान सुनिश्चित नहीं किया जाता था। ये एक बार सुनिश्चित करने के बाद 30 इयर्स तक एप्लीकेबल होता था, लेकिन अगर 30 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर दोबारा से उसको सुनिश्चित किया जाता था। इसमें किसान को भी फायदा था, अगर उसको लगता कि उसकी जो बचत है वो कम है तो उसकी कंप्लेंट कर सकता था गवर्नमेंट के सामने। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसानों के पास में बचत ज़्यादा हो रही है तो वो उसको बढ़ा सकती है। इस तरीके से भू राजस्व व्यवस्था की जो कुछ कमियां थी, स्थायी बंदोबस्त की कुछ कमियां थी, उसके अंदर एक ये बड़ी कमी थी कि छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, बड़े किसानों को उसमें लाभ हुआ था। डेविड रिकार्डोज आइडिया और न्यू रिवेन्यू सिस्टम। डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं। इसमें अंग्रेज अधिकारियों ने जब वो कॉलेज लाइफ में पढ़ा करते थे उन्होंने डेविड रिकार्डो के विचारों को पढ़ा। उन्होंने बताया कि जीवन के अंदर अगर जैसे किसानों को
से लगान वसूल करनी है तो लगान बीच बीच में बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही लगान की दर सुनिश्चित करेंगे तो महंगाई भी आएगी, बचत भी ज़्यादा होने लग जाएगी, हो सकता है कोई और रीज़न भी आ जाए, तो कभी कभी फसल भी खराब हो जाती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसा होने पर कुछ रिलैक्सेशन भी मिले, किसान को भी राहत मिले, या किसान अगर अतिरिक्त बचत कर रहा है तो सरकार को भी उसको पूरा टैक्स उस पर लगाने की ज़रूरत है। डेविड रिकार्डो का कहना था कि एक बार जब हम भू राजस्व की व्यवस्था में टैक्स की दर सुनिश्चित कर देते हैं तो उसके बाद अगर उसकी उपज बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई उपज पर भी उसको टैक्स देना चाहिए, और ये उसको सरकार का हक है, वो ये उसे ले सकती है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेंडेड इट्स रूल आउटसाइड बंगाल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान, जो बंगाल बिहार उड़ीसा के अंदर इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज़ों का पूरा नियंत्रण कायम हो गया था, अब धीरे धीरे बाहर के क्षेत्रों में भी इसका नियंत्रण बढ़ने लगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग लगभग पूरे भारत को ही अपने नियंत्रण में ले लिया था। इट इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। इसने एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, जिसका साउथ इंडिया के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर उसको रैयतवाड़ी बोला जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें रैयतों के साथ में अंग्रेज़ों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनसे समझौता किया था, डायरेक्टली उन्होंने कोई बिचौलिया नहीं लिया बीच में, कोई छोटे या बड़े मतलब किसी भी तरह का कोई अधिकारी बीच में नहीं लिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट का और रैयतों के साथ में समझौता था। रैयत छोटे किसानों को कहा जाता है, तो यहाँ ये एक पॉजिटिव इफेक्ट था, पहले से सीख मिल चुकी थी, जमींदारों से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके देख लिया था, उसमें घाटा हुआ तो डायरेक्टली रैयतों के साथ में समझौता किया, उनको पता था अगर रैयत के पास में जितनी भी बचत है तो उसको छुपा के कहाँ ले जाएगा, उसके घर के अंदर चेक किया जा सकता है, उसकी खलिहान को चेक कर सकते हैं, और अगर जितने बनता है तो उसका भुगतान वो आराम से कर देगा। इसके बाद बिकॉज नो शेयर इन एनहांस्ड इनकम, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने का कारण क्या था, नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने का क्या कारण था, क्योंकि जब उपज बीच बीच में बढ़ जाती थी तो, या मतलब किसी भी तरीके से किसान के हालात अच्छे हो जाते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस भू राजस्व व्यवस्था को बढ़ा नहीं सकती थी, इस कमजोरी को हटाने के लिए नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया। उसकी नीतियों में ये बात शामिल की गई कि अगर कुछ समय के लिए ये कर जो है कम नज़र आता है, या लगता है कि किसान की बचत ज़्यादा है, अतिरिक्त तो उस पर टैक्स लग सकता है, गुंजाइश है, तो उसको लागू किया जा सके, इस तरह की पॉलिसीज उसके दौरान रखी गई। इम्पैक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के विचारों का पूरा पूरा प्रभाव अंग्रेज अधिकारियों पे था, उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में डेविड रिकार्डो के विचारों को पढ़ रखा था, और उन्होंने जब उनके हाथ में एक नए क्षेत्र के अंदर भू राजस्व व्यवस्था को नए सिरे से लागू करने की जब जिम्मेदारी आई तो उन्होंने डेविड रिकार्डो की पॉलिसीज और उसकी नीतियां विचार सब लागू करना अपने लिए ठीक समझा। इसके बाद ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू रिवेन्यू सिस्टम इन बॉम्बे डक्कन एरिया। बम्बई दक्कन के क्षेत्र के अंदर, बॉम्बे डक्कन का मतलब है आज का जो महाराष्ट्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो दक्कन का क्षेत्र है यानी आंध्र प्रदेश कर्नाटक तक का इलाका, उस एरिया के अंदर बम्बई दक्कन क्षेत्र में एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, जिसका नाम रखा गया रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का समझौता रैयतों के साथ में होता था, छोटे किसानों के साथ में होता था। टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट, इसके अलावा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो गई बम्बई डक्कन में, लेकिन कुछ एरिया में टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट भी लागू हुआ। टेम्पररी होता है कि जो परमानेंट नहीं है, कभी उसको लागू किया गया कभी नहीं भी लागू किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगर ऑफ डक्कन रैयत्स अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो मनी लेंडर्स हैं, यानी जो साहूकार हैं, जो पैसे एक तरह से फाइनेंसर की भूमिका निभाते हैं समाज के अंदर, तो उन लोगों ने किसानों को पैसे देना बंद कर दिया था। किसानों की बचत पहले कम थी, ऊपर से फसलें खराब हो रही थी, वो टाइम से अपना
टैक्स नहीं भर पा रहे थे, टैक्स पर ब्याज की दर बहुत ऊंची रखी जाती थी, इस तरह की व्यवस्था की वजह से किसान परेशान हो चुके थे। वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। बंबई दक्कन के क्षेत्र में एक दंगा हुआ था, उस दंगे के अंदर काफ़ी मतलब नुकसान, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। बंबई दक्कन के क्षेत्र के अंदर दंगा की जाँच के लिए एक दंगा आयोग गठित किया गया था। दंगा आयोग ने जांच रिपोर्ट में पाया कि जो भी कमियां हैं वो सब कमियां सरकार की तरफ से नहीं हैं, वो वहां के जमींदारों की तरफ से हैं, लैंड होल्डर्स की तरफ से हैं, मनी लेंडर्स की तरफ से हैं। उनका कहना था साहूकारों ने उन लोगों को परेशान किया है, जमींदारों ने उनको परेशान किया है, क्योंकि अंग्रेज लोग अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने कभी भी अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाया, कभी भी अपने आप को क्लियर साबित करते चले गए। और बंबई दक्कन के जितने भी रैयत थे, किसान थे, उन्होंने मनी लेंडर्स के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ जोरदार आवाज़ बुलंद की। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा और इनकी वजह जो थी वो इस तरह से हैं कि मनी लेंडर्स ने दक्कन के रैयतों के हालात पे कोई भी तरस नहीं खाया, उनके हालात ख़राब थे, फिर भी उन्होंने पूरे का पूरा टैक्स उनसे लेने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की गई, जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, और ऐसा करना बिल्कुल गलत था। इसके अंदर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो दक्कन के रैयत हैं वो बाद में धीरे धीरे उनकी बचत अगर बढ़ भी जाती तो भी वो उससे ज़्यादा टैक्स दे करके खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं नाराज़गी उनके जेहन में थी। यहाँ हम इसके कुछ टॉपिक हैं जिनको लेकर के इनके अंदर गुस्सा फूट रहा था। रिफ्यूज़ टू गिव रिसिप्ट्स, अगर किसी साहूकार के पास पैसे लेने के लिए किसान जाता है, क्योंकि किसान के पास में इतनी बचत नहीं होती थी, बचत बहुत कम थी, इसलिए उसको लोन लेना ही होता था, लोन ले लिया तो पूरी उम्र उसका लोन नहीं उतरता था, क्योंकि उसकी ज़मीन के कागजात गिरवी रख दिए जाते थे, उसका सारा मतलब एक होल्ड जो है, उसका नियंत्रण जो है वो इन मनी लेंडर्स के पास में चला जाता था, फाइनेंसर्स के पास में चला जाता था। रिफ्यूज टू गिव रिसिप्ट्स, ये जब भी कभी पैसा लेते थे और पैसे का भुगतान वापस करते थे तो उस भुगतान होने पर कभी रसीद नहीं दी जाती थी, क्योंकि उसमें धोखा होने की गुंजाइश थी। अगर मान लीजिए 20,000 रुपये लेकर के किसान जमा कराने गया है, 20,000 में से, और उसने ये मान के चलिए कि व्यक्ति ने 10,000 रुपये लिए, कुछ समय बाद वो 20,000 हो गए, 20,000 रुपये में से उसने 18,000 जमा किए, 2,000 रुपये उसका बैलेंस बचता है, तो 2,000 रुपये बैलेंस दिखाते हुए एक स्लिप उसको दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था। उनको 18,000 भी ले लिए, 2,000 बैलेंस दिखा दिया, और फिर थोड़े दिन बाद उसके जो फिगर्स हैं उनके अंदर बदलाव कर लेते थे कि जितनी रकम पहले 2,000 है उसको फिर दोबारा से 20,000 कर लेते थे। तो ऐसे धोखा किसानों के साथ होता था और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से दक्कन के किसानों ने जोरदार दंगे किए। फिक्टिशियस फिगर्स इन बॉन्ड, जो समझौता पत्र पे साइन होते थे किसान और मनी लेंडर्स के खिलाफ, मतलब उनके बीच में जो समझौता होता था उसके ऊपर समझौते पे साइन किसान के भी होते थे या फिर अंगूठा टिकवाया जाता था, और उनको इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। ये जो रैयत लोग होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वे इस तरह के आंकड़ों की बारीकियों को नहीं समझ पाते थे, आंकड़े जाली भर लिए जाते थे। जैसे संख्या 100 लिखनी है, 200 लिखनी है, उसकी जगह पे 400, 500, 800, 1000 कर ली जाती थी, और ये किसानों के साथ में धोखा था। बॉन्ड भी फाड़ दिए जाते थे, नए बॉन्ड बना दिए जाते थे और फिर उन पर साइन करवा लिए जाते थे। बॉट द क्रॉप ऑफ पीजेंट ऑफ लो प्राइसेस, किसानों की फसलों को कम दाम में खरीदते थे, क्योंकि अगर महंगे दाम में खरीदें किसान के पास बचत ज़्यादा होगी, लेकिन किसानों की बचत को कम करने के लिए ऐसा किया गया। प्रॉपर्टी ऑफ पीजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल, किसानों की जो प्रॉपर्टी थी उसको पूरी तरह से इन लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। दे डिड नॉट रिवील अबाउट द बॉन्ड्स, जब भी कभी कोई समझौता होता था तो उस समझौते से संबंधित जो शर्तें होती थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे, जो बॉन्ड पेपर पे साइन होते थे, उनके बारे में कोई भी जानकारी
किसानों को नहीं देते थे। इसके अंदर हमारे दो टॉपिक रेडी हो चुके हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डेविड रिकार्डो के विचार, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे, उनके विचार इस तरह के थे कि नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू करना चाहिए। अगर सरकार घाटे में जा रही है, अगर सरकार किसानों से प्रॉपर तरीके से टैक्स कलेक्ट करने में दिक्कत उसे हो रही है, तो डेफिनेटली नई पॉलिसी को लागू करना चाहिए। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल से बाहर का शासन क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिया, वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीके का नियंत्रण उनके अपने हाथ में गया, तो उन्होंने एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, जिसका नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था रखा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के फायदे कुछ इस तरह से थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों से समझौता ना करके रैयतवाड़ी में रैयतों के साथ में समझौता होता था, जो कि छोटे छोटे किसान होते थे। छोटे किसान गबन नहीं कर सकते थे, धोखा नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सरकार को चोट नहीं पहुँचा सकते थे, और एक तरह से डायरेक्टली किसान के घर तक जब पहुंच जाती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के अधिकारी वहाँ जाकर के किसान के घर के अंदर देख सकते हैं कि उसके पास में कितना अनाज बचा हुआ है और कितना उसको जमा कराना है। इसके अलावा खेतों का सर्वेक्षण भी कराया जा सकता था, गिरदावरी कराई जा सकती थी। इसके अलावा जो है डेविड रिकार्डो के विचारों के अकॉर्डिंग कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, उसका ये भी फायदा था कि बीच बिचौलिए जो होते हैं, हो सकता है उनके लाइजन किसानों के साथ में अच्छे हों, वो किसानों से टैक्स ही ना लेना चाहें या कम लेना चाहें, और फिर ऊपर यानी जो गवर्नमेंट है या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, उनके सामने वो बताएं कि ये टैक्स कलेक्शन इतना ही आया है, जबकि वास्तविकता कुछ और हो। तो इसलिए इन बुराइयों से दूर हटते हुए इन्होंने नई पॉलिसी को लागू किया। ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसी लागू की, जिसका नाम रैयतवाड़ी रखा गया। दूसरी पॉलिसी का नाम था टेम्पोरेरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके अंदर एंगर ऑफ डेक्कन के बारे में बताया गया। दक्कन के किसानों का गुस्सा किस वजह से फूटा? क्योंकि जमींदार लोगों पर, जमींदार का, साहूकार का किसी भी तरीके से कोई शोषण, हर तरीके से शोषण करने का प्रयास किया जा रहा था। मनी लेंडर कभी भी उनके प्रति तरस नहीं खाते थे, उनको कोई भुगतान समय से उनको नहीं करने दिया जाता था, यानी एक तरह से लोन ले लिया तो वो एक तरह से जाल में फंस जाते थे, ऋण जाल में फंस जाते थे, और किसान के लिए बड़ी नौबत आ जाती थी, अपनी ज़मीन भी गिरवी उसको रखनी पड़ती थी। इसके अंदर किसानों की बचतें कम हो रही थी, क्योंकि किसानों की जो फसलों के जो कीमत थी उनको कम दी जाती थी, और इस तरीके से हर तरीके का शोषण होने की वजह से किसान उभर नहीं रहा था, और मनी लेंडर साहूकार जो लोग थे बहुत ज़्यादा उभर रहे थे। साहूकारों के खिलाफ इन्होंने ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की। उनकी कुछ कमियां थी यहाँ पर। सबसे पहली कमी, उन्हें रसीद नहीं दी जाती थी, जब भी वो कोई भुगतान करते थे रसीद नहीं देते थे, जाली आंकड़े भरते थे बॉन्ड पेपर में। जब भी समझौता किसान के साथ में होता था, गवर्नमेंट के अधिकारियों का और किसानों के बीच में समझौता है, उस बॉन्ड पेपर के अंदर जो फिगर्स होते हैं, जितनी संख्या, जो भी पैसा उसने अमाउंट लिया, उसके जाली आंकड़े उसमें भरे जा सकते थे, इस तरह का काम था। इसमें किसान की जो फसल की कीमत है उसको कम दी जाती थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ पीजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल, और किसान के जो संपत्ति है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण इन लोगों का बना रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का नियंत्रण रहता था। दे डिड नॉट रिवील अबाउट द बॉन्ड, और कंपनी के अधिकारी कभी भी बॉन्ड के बारे में कोई भी बात, जानकारी साझा किसान के साथ में नहीं करते थे। इस प्रकार से नई भू राजस्व व्यवस्था की हमने यहाँ पे चर्चा की। डेविड रिकार्डो एक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने इस संबंध में ये बताया, उसके कुछ इम्पैक्ट बताए, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट की कुछ वास्तव में कुछ कमियां थी जो कि मैंने आपको बताई। नई भू राजस्व व्यवस्था में भी कुछ कमियां थी, लेकिन नई भू राजस्व व्यवस्था में इतनी कमियां नहीं थी। इसके बाद जो दक्कन के रैयत हैं, उनका गुस्सा क्यों फूटा? उनकी वजह यही था, टाइम पे लोन नहीं देते थे, फसल ओलावृष्टि किसी भी वजह से फसल को नुकसान होने पर कोई हमदर्दी नहीं थी, उन्हें पूरा टैक्स उनको देना पड़ता था। धन्यवाद।